गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो गाइस सबसे पहले यार आप लोगों को थैंक यू, आपने मैकेनिक वाले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। लगभग हज़ारों लोगों ने उस वीडियो को देखा और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उस पर। मैंने कई सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े जिन्होंने किए हुए हैं कि भाई आप मैकेनिक हेल्पर के बारे में बेसिकली कुछ बताओ। मैं आपको पहले बताता हूँ मैकेनिक हेल्पर क्या होता है। अगर आपने बेसिकली मैकेनिक का काम नहीं सीखा हुआ, बाइक मैकेनिक या फिर कार मैकेनिक, तो आपको क्या करना पड़ता है, उनके साथ में रह करके एज एन हेल्पर वर्क करना पड़ता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है अगर आप उनके साथ में रह करके काम करते हो तो आप कुछ दिनों बाद अगर काम सीख जाते हो तो आप एज ए मैकेनिक भी काम कर सकते हो। इसकी अच्छी सैलरी मिलती है, बताऊंगा कितनी सैलरी मिलती है। बट मैकेनिक हेल्पर जो है आप 10वीं या फिर 10th पास हो या फिर 12th पास हो तो आप एज अ फ्रेशर आराम से काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, बट थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि जो मैकेनिक का काम होता है उसमें थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा वो मेहनत वाला काम होता है। बट ऐसा नहीं है, सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कितने तक सैलरी मिल जाती है। और मैकेनिक हेल्पर का काम करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपके साथ फटाफट शेयर कर देता हूँ रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैं सैलरी बता दूंगा आपको कितने तक सैलरी मिल जाएगी ऑन एन एवरेज, थोड़ा अप्रॉक्स बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। देखो मैकेनिक हेल्पर का काम अगर आप कर रहे हो तो हेल्पर का काम ऐसे ही है कि आप अगर आप 10th पास हो, आपको अभी काम का कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले फ्रेशर के तौर पर काम सिखाते हैं कि आखिर करना क्या है। तो थोड़ा मेहनत वाला काम होता है स्टार्टिंग में, बट एक महीने दो महीने बाद आप काम करने लगते हो जब, तो आपको धीरे धीरे मैकेनिक का काम करवाने लगते हैं, ठीक है। जो फायदा होता है आप काम सीखने लोगे जैसे जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा आप मैकेनिक का काम करने लोगे, ये फायदा होता है। सेकंड चीज रिक्वायरमेंट बता दो, रिक्वायरमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, आप 10th और 12th पास हो मिनिमम। सेकंड रिक्वायरमेंट आपका मेडिकल परफेक्ट हो, क्योंकि कुवैत वीजा के लिए मेडिकल काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, इस समय जरूरत हो चुका है, तो मेडिकल पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान दो। सेकंड चीज, फोर्थ चीज, थर्ड चीज, आपके ऊपर किसी टाइप का केस क्राइम ऐसा कुछ फ्रॉड या फिर गलत काम का आरोप ना हो, ये चीज़ ध्यान देना, कोई गलत काम ऐसा मत करना। आप कितने डॉक्यूमेंट्स हो सारे लीगल हो, कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स को यूज़ मत करना, पकड़े जाओगे तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा आप लोगों का, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो मैकेनिक हेल्पर का सैलरी अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि आप 45 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो, किसी भी गैरेज में किसी भी शोरूम्स में आराम से आपको मैकेनिक का काम मिलता है, तो इतने रकम आराम से अर्न कर सकते हो। तो जाकर के मैकेनिक वाली वीडियो देखो, फिर मिलते हैं इस वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।